हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं जब के लिए लेकर आया हूँ मारा जॉम्बीज डिस्ट्रॉय का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मारा जॉम्बीज पर बनाई गई प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो एपिसोड चेक कर सकते हैं और साथ ही फ्यूचर में आने वाली वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं उस लैब में जॉम्बीज को लीड कर रहा था जॉम्बी डगन, और वो लटके हुए डगन को देखकर कह रहा था कि ये आखिर क्या है, ये बहुत ही अजीब जगह है मिरर लगाने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर मिरर नहीं बल्कि एक और डगन लटका हुआ है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तब तक पिडक डगन को पीछे खींच लेता है, लेकिन पिडक के हाथ से डगन नीचे गिरने लगता है। और तब लिबर्टस आकर उसे बचा लेती है और साथ ही साथ कहती है अपने साथ डग को भी ले चलो। तब उसका गला दबाते हुए डगन उसे अपने साथ ले जाता है और ऊपर पहुंचकर उसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया यहाँ तक आने के लिए। तब अंदर एक ट्रेन में बैठकर, जो कि जॉक की ट्रेन थी, उसमें बैठकर डगन को एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि तुम्हारा वो जॉम्बीफाइड वर्जन जो कि तुम्हारे जैसा है, हमने तुम्हें सिर्फ उसे हराने के लिए और उसके सारे सिस्टम्स ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि तुम ही एक अकेले ऐसे आदमी हो जो कि खुद के बनाए सिस्टम्स और खुद के बनाए डिफेंसेस डीएक्टिव कर सकते हो। लेकिन डगन को ये बात फिर भी हजम नहीं हो रही थी कि डग ने उसे धोखा दिया। तभी इटरनल ब्रेन से बैटलस्टार पूछता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब वो अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। तभी मिस अमेरिका आकर कोलम्बिया के बारे में पूछती है, लेकिन बैटलस्टार बताता है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ कोलम्बिया को कुछ बुरा महसूस हो रहा था और वो आगे जाती है इंजन की तरफ, जहाँ पर फ्लेक्सो और जॉक इंजन ड्राइव कर रहे थे। और तभी वहाँ पर जॉम्बी वर्किर्स आकर हमला करती है और वो जॉक की दोनों आंखें खा लेती है और साथ ही साथ जॉक को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। आगे ट्रेन में आकर कोलंबिया सारी सिचुएशन अपने टीममेट्स को बताती है और साथ ही साथ ये कहती है कि शायद अगर जॉक जिंदा हो तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी खिड़की के अंदर जॉक का सर उड़ते हुए आता है और तब सब लोगों को पता चल जाता है कि वर्किरिस ऊपर रूफ पर है। लेकिन उतनी देर में टैक्सी को वल्किरिस ने बाहर उठा लिया था और उसे बचाने के लिए कोलंबिया बाहर कूदती है और उसके घोड़े का पंख काटकर कोलंबिया वल्किरी को ट्रेन के ऊपर लैंड करवाती है। दूसरी तरफ टैक्सी नीचे गिर रही थी और उसे बचा लेता है इंटरनल ब्रेन अपने टेलीकाइनेटिक पावर्स के साथ। और यहाँ पर जहाँ पर वल्किरी गिरी थी वहाँ पर कोलंबिया वल्किरी को चैलेंज देती है शॉर्ट फाइट के लिए। वहाँ नीचे बैटलस्टार ब्लाजिंग स्कल को कहता है रूफ पर है, जिस पर वो कहता है ज्यादा देर नहीं रहेंगे, सब लोग नीचे झुक जाओ। और जहाँ पर यानी कि बाकी बची वल्किरीज थी वहाँ पर वो जोरदार धमाका करके उन सबको मार देता है। इस वजह से वल्किरी का ध्यान भटक जाता है और तभी कोलंबिया आगे बढ़कर वल्किरी का गला काट देती है, लेकिन वो कटा हुआ सिर भी कोलंबिया को काट लेता है। ये देखकर कोलंबिया सोचती है कि मैं अभी भी अपने दम पर जी सकती हूँ, मैं अभी भी ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरी मौत कैसे और कब होगी और किस तरह से होगी। और ये सब वहाँ से नीचे टैक्सी देख रही थी। तब वो देखती है कि ट्रेन टनल आ रही है और वो ट्रेन के ऊपर खड़ी हो जाती है अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए। और वही अंदर दूसरी तरफ हम देखते हैं टैक्सी को, जो कह रही थी कि लोग मेरे वजह से मारे जा रहे हैं, एक दिन में दो लोग मारे गए, जिस पर बैटलस्टार उससे कहता है कि उनके सैक्रिफाइस को जाया मत जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह उस ग्रुप में लूके आ चुका था और वो बता रहा था कि वो वेल्किरी मेरे पीछे आई थी, जब से मैंने एस्गार्ड छोड़ा है तब से वो मेरे ही पीछे है, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये सब फैलता ही जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास यूनिक आइडिया है वीडियो या फिर दूसरे किसी कंटेंट के लिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।